गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग नाउ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। द थ्री इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स आर रैपिड कंप्यूटर, स्पॉन्टेनियस कंप्यूटर एंड एक्सप्लोजिव कंप्यूटर। We will now describe these three types of combustion reaction in a little more detail, one by one. हम तीन प्रकार के combustion, rapid, spontaneous और explosive combustion का one by one डिटेल से, थोड़ा डिटेल से अध्ययन करते हैं, वर्णन करते हैं। Rapid combustion. The combustion reaction in which a large amount of heat and light are produced in a short time is called rapid combustion. यानी ऐसा combustion जिसमें बहुत अधिक मात्रा में heat और light उत्पन्न होती है short time में, उसे rapid combustion कहा जाता है। When we bring a lighted matchstick or lighter near the burn Near the burner of gas stove in the kitchen, the cooking gas start burning at once, producing a lot of heat and some amount of light. जब हम जल्दी मैचस्टिक या लाइटर को एलपीजी गैस के स्टोव के पास लेके जाते हैं तो कुकिंग गैस जलने लगती है और अधिक मात्रा में हीट और कुछ मात्रा में लाइट उत्पन्न करती है। सो द इमीडिएट बर्निंग ऑफ कुकिंग गैस और एलपीजी गैस इन गैस स्टोव टू गिव हीट एंड लाइट इज एग्जांपल ऑफ रैपिड कंबशन। इसलिए इमीडिएट बर्निंग ऑफ कुकिंग गैस एलपीजी गैस का शीघ्रता से जलना, जिससे कि गैस स्टोव में जिससे कि हीट और लाइट उत्पन्न होती है, ये रैपिड कंबशन का एग्जांपल है। द बर्निंग ऑफ केरोसिन ऑयल इन केरोसिन स्टोव, बर्निंग ऑफ वैक्स इन कैंडल आर द एग्जांपल ऑफ रैपिड कंबशन। केरोसिन स्टोव में केरोसिन का जलना, वैक्स का मोमबत्ती में जलना, ये रैपिड कंबशन के एग्जांपल हैं। स्पॉन्टेनियस कंबशन, द कंबशन रिएक्शन व्हिच अकर इन ऑन इट्स ओन Without the help of any external heat is called spontaneous combustion. यानी ऐसी combustion reaction जो अपने आप उत्पन्न होती है, यानी स्वयं अपने आप उत्पन्न हुई आग, that is the spontaneous combustion. जो बिना किसी बाहरी हीट की मदद से उत्पन्न होती है, उसको spontaneous combustion कहते हैं। In a spontaneous combustion, the substance suddenly burns. In the spontaneous combustion, the substance suddenly bursts into flame and start burning, even without being heated. Spontaneous combustion में पदार्थ अचानक burst into flame, यानी आग की ज्वालाओं में, आग की लपटों में बदल जाता है और जलने लगता है, इवन विदाउट बीइंग हीटेड, बिना गर्म किए। स्पॉन्टेनियस कंबशन टेक्स प्लेस एट रूम टेम्परेचर। स्पॉन्टेनियस कंबशन कमरे के तापमान पर उत्पन्न होता है। द हीट रिक्वायर्ड फॉर स्पॉन्टेनियस कंबशन इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सब्सटेंस बाय इट्स स्लो ऑक्सीडेशन टेम्परेचर। हीट रिक्वायर्ड फॉर स्पॉन्टेनियस कंबशन, जो ऊष्मा की आवश्यकता है इस कंबशन के लिए, उस पदार्थ के अंदर उत्पन्न होती है बाय इट्स स्लो ऑक्सीडेशन, इसके मंद गति से होने वाले ऑक्सीडेशन से, यानी अपनी जो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है उससे इसका ऑक्सीडेशन होता है और उसी प्रक्रिया से हीट रिलीज होती है और उस हीट से आग, इसमें आग लग जाती है। Spontaneous combustion is usually undergone by
those substances which have quite low ignition temperature. Spontaneous combustion उन्हीं पदार्थों में संभव है जिनका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है. व्हाइट फॉस्फोरस इज सब्सटेंस विच अंडरगो स्पॉन्टेनियस कम्बशन. व्हाइट फॉस्फोरस में इग्निशन टेम्परेचर लो होता है, इसलिए यहाँ पर स्पॉन्टेनियस कम्बशन देखा जा सकता है, यानी वो अपने आप जलने लगता है जब उसको कुछ मात्रा में हीट प्राप्त होती है. White phosphorus is a substance which undergoes spontaneous combustion. In other words, white phosphorus burns